इनसे झुठन से भगवान बचाओ है, ये खुद ही देता है, ये खुद दे रहे हैं, ये खुद दे रहे हैं ट्यूशन का बिल। गवर्नमेंट थी उसने इस हिंदुस्तान में सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाया और इस कांग्रेस को ऊपर ऊपर ले जाने का काम किया उसने। अब आज जब से कांग्रेस सरकार गई है तब से सारी योजनाएं ठप है। कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर मुद्दे पर लड़ाई लड़ेंगे, सारे घोटाले इन्होंने किए, सारा भ्रष्टाचार इन्होंने किया, उजागर हुआ। घोटालों की सरकार ही है, घोटालों पे घोटाला, घोटालों पे घोटालों की सरकार की घोषणा। चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे तो टक्कर दे पाएंगे स्मिता को? टक्कर नहीं दे पाएंगे। अमेठी जनता पूछे आपकी क्या हाल होने वाला है, मौसम बदल गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया लड़ रहे हैं। अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे राहुल गांधी के पास चुनाव के? राहुल गांधी के बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, विकास, यही मुद्दे हैं। और मुझे आप सब समझ रहे हैं, बीजेपी विकास को लेकर आएगी ना? बीजेपी तो कभी विनाश के अलावा विकास कर ही नहीं सकती। विकास भाई साहब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर मुद्दे पर लड़ाई लड़ेंगे, सारे घोटाले इन्होंने किए, सारा भ्रष्टाचार इन्होंने किया, उजागर हुआ। घोटालों की सरकार ही है, घोटालों पे घोटाला, घोटालों पे घोटालों की सरकार की घोषणा। ये घोटाले की बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस ने घोटाला किया? एक भी घोटाला आज तक ये साबित नहीं कर पाए। कांग्रेस का 9 साल की सरकार हो गई, कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने ईडी लगाई, सीबीआई लगाई, लेकिन आज तक कांग्रेस का ये कुछ नहीं कर सके। राहुल गांधी यहाँ कह रहे चुनाव लड़ेंगे, हम लोग चाह रहे राहुल गांधी चुनाव लड़े। पिछली बार 50,000 वोट से आ रहे थे, आपकी 3 लाख वोट से हार करके जाएंगे। हम लोग चाह रहे मैदान में, अगर उनमें दम है चुनाव लड़ने की, एक जगह चुनाव लड़े, अमेठी से आकर के चुनाव लड़ते। ये बात तुमने सही कही, अमेठी चुनाव लड़ना चाहिए उनको। मोदी जी क्यों दो जगह चुनाव लड़ते, जरा पूछिए आप। क्यों दो जगह चुनाव लड़ने जा रहे हैं? उनको डर है, उनको डर है कि मैं यहाँ चुनाव हार जाऊंगा, इसलिए वायनाड भाग जाते हैं। की जनता इस बार उनको जवाब देगी, उस आदमी को जवाब देगी जो क्षेत्र छोड़कर भाग गया, 5 साल आया नहीं, और टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करता है दिल्ली में जाके, उनका एक सहयोगी सनातन को समाप्त करने की घोषणा करता है, आए वो यहाँ पर चुनाव लड़े, उनको जवाब अमेठी की जनता देगी। हमारा गठबंधन सनातन को समाप्त करने के लिए, सनातन हमारा धर्म है, हम सनातन को मानते हैं, ठीक। और ये इनको कहने दीजिए, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, इतना भ्रष्टाचार है चरम पर कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास केवल एक डिबेट में रह गया है कि हिंदू मुसलमान धर्म, इसके अलावा इनके पास और कुछ है नहीं। धूड़ी ने सांसद में हिंदू मुसलमान नहीं देख रहे क्या शब्द का इस्तेमाल किया? पत्रकार हैं आप तो जानते होंगे। इतना 70 साल में कांग्रेस ने कॉलोनी नहीं दी, उतना 10 साल में उससे ज्यादा कॉलोनी गाँव को पहुँच गई है। जितना 70 साल में उन्होंने जो क्या कहते हैं लैट्रिन रूम नहीं दिया, उससे ज्यादा लैट्रिन रूम गांव बन चुके। जितना खंबे नहीं दिए थे, गड़वाए थे, उतने बिजली के खंबे गड़ गए इस 10 साल के, उससे ज्यादा दूना की बात कर रहा हूँ आपसे। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसने इस हिंदुस्तान में सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाया और इस कांग्रेस को ऊपर ऊपर ले जाने का काम किया उसने। अब आज जब से कांग्रेस सरकार गई है तब से सारी योजनाएं ठप है और देश बदहाल हो गया है, स्थिति बहुत खराब हो गई है देश की। इनके में तो परिवारवाद इतना है कि माननीय नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, जब उनका देहांत हुआ तो गैर परिवार होने की वजह से उनके शव को कांग्रेस दफ्तर में नहीं घुसने दिया गया, उनको दिल्ली में जगह नहीं मिली उनको अंतिम संस्कार के लिए। यही परिवारवाद इनका है। ये सुई और उसकी बात कर रहे हैं। पार्टी में नहीं घुसने दिया, मैं उमा भारती बात कर रहा हूँ, वसुंधरा राजे की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने आपके राम मंदिर में योगदान दिया, तमाम कामों में भाजपा को बढ़ाने का काम किया, आडवाणी जी को देख लिए, उसमें आप क्या बात कर रहे हो? आपने इन लोगों को, नेताओं को एकदम किनार करके और उनकी आपने मारा ऐसी की तैसी कर दी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? कि एक सड़क आप यहाँ से थोड़ी चले जाइए, थोड़ी से आप चले जाइए, क्या नाम है, मुसाफिर खाना के लिए कानून आला तक सड़क देख लीजिए आप। गांव की कोई भी आज तक शुद्ध नहीं है, गांव की कोई भी सड़कें, सारी सड़कें खराब पड़ी हुई है और एक सड़क को मरम्मत करने वाला कोई नहीं, यही है मिठी बदली। इतने झूठे लोग हैं, चुनाव के पीरियड में किसानों के बिजली का बिल माफ हो गया था कि ट्यूबवेल का बिल अब नहीं पड़ेगा। भैया लोगों के पास अगर ट्यूबवेल है तो इनको पूछे बिल दे रहे हैं। ट्यूबवेल का बिल माफ हो गया है, ट्यूबवेल का बिल नहीं पड़ रहा है, यही बात ये गठबंधन इनसे झुठन से भगवान बचाओ है, ये खुद ही देता है, ये खुद दे रहे हैं, ये खुद दे रहे हैं ट्यूबवेल का बिल।
अप्रैल अप्रैल जो जो सरकार योजना लाई थी अप्रैल में जिसका फुल बिल जमा हो गया था उससे पहले जो बचा था वो अगर पेड हो गया है उसके बाद बिल माफ है। माफ है ना? हाँ। बिल माफ है भाई। अरे पीछे वो खड़ा है उन्हों से पूछ लियो। बिजली का बिल माफ नहीं ना, फुल अप्रैल में जो बिल बताया उन्होंने कि पूरा भर दीजिए बिल तो माफ हो जाएगा, लेकिन बिल जमा नहीं हुआ, बिल आवत है। झूठ बोल रहे हैं आप? नहीं झूठ नहीं बोल रहे हैं, इसको आप जाइए वहाँ पता नहीं हो रहा है। बिल माफ है? बिल माफ है भाई, बता रहे बिल माफ है। सबका जमा करेगा जो पहले तक वाला बिल जमा किया है, सिर्फ जो दे रहा है वो कह रहा है कि माफ है। दे रहे हैं का जब इतना खुद देता है तो बिल तो देबे करी है, यूज करी है तो जो माफ है नहीं तो क्या हुए? दे रहा हूँ मैं खुद बिल दे रहा हूँ, माफ है नहीं तो क्या हुए बताइए आप? आप बताइए, आप बताइए। घोषणा के पहले उस घोषणा के पहले का बिल अगर आपने जमा किया है तो अगले का बिल आपका एडजस्ट होके नहीं आ रहा है। अगर आपने पहले जमा नहीं किया है, इसलिए सरकार ने कहा भी अगर नहीं जमा किया है तो हो सकता है आ रहा। कितने लोग अच्छा टेबुल लगाए यहाँ पर? कितने लोग लगाए टेबुल यहाँ पर? हमारे यहाँ विपक्ष दोनों है, जिस देश में हम लोग रहते हैं सब लोग एक बार मिलकर बोले भारत माता की। आप कहने बोल रहे भारत माता की, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, भारत माता की, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, इंडिया जिंदाबाद। धन्यवाद, भारत माता की जय बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, प्रेम इसने इसी तरह बनना रहना चाहिए, आपस में भाईचारा इसी तरह बना रहना चाहिए, क्योंकि इस बार अमेठी का माहौल क्या रहने वाला है, क्या कमल का फूल दोबारा यहाँ पर खिलेगा या फिर पंजी की पकड़ फिर से एक बार मजबूत होने वाली है। यूपी टीवी के लिए सुबह।